दुनिया में तहजीब आज़ादारी के मंजरनामे पर नज़र डालें तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची में अय्याम आज़ा और बरासम का जैसा एहतमाम होता है वो शायद इस्लामी मुल्कों में किसी और जगह नज़र नहीं आता। कराची के मुहर्रम में निश्तर पार्क की मजालिस को मरकज़ी हैसियत हासिल है। पाक मुहर्रम एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस मरकज़ी मजलिस की ज़ेब व ज़ीनत ख़तीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी आला मकामों की ज़ात गिरामी से थी। पैगाम हुसैनी को आम करने और तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमानों को यकजा करना उनका एक बड़ा कारनामा था। इसी मजलिस में पहली बार मुझे अशरफ अब्बास को सुनने का मौका मिला। वो मजलिस के शुरू में अल्लामा से कबल अपने मखसूस लहन में किसी मुमताज़ शायर का सलाम पेश करते थे और दूर दूर तक हज़ारों में फैले हुए सामईन की तवज्जुहात को मेंबर की तरफ मुतवज्जह कर लेते थे। असातिज़ा का कलाम सही तलफ़ुज़ और सोज़ में डूबी हुई आवाज़ के साथ मजमे पर एक हुस्निया तासुर और कैफियत तारी कर देता था। वो एक तरह से मजलिसों का एक लाजमी हिस्सा होते थे। एक उम्र तक उन्होंने पेशखानी की खिदमत मुनासिब शाइस्तगी और वक़ार के साथ सर अंजाम दी। अब रुख्सत होते हैं तो ख्याल आता है खामोश हो गया है चमन बोलता हुआ, परवरदिगार आलम उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए।